टीवी सीरियल अनुपमा ने एक्ट्रेस मुस्कान बामने की किस्मत को ही बदल दिया है। इस सीरियल में मुस्कान ने बदतमीज बाकी का रोल निभाया था। एक्ट्रेस अपने रोल के लिए आए दिन ट्रोल होती थी, लेकिन जैसे ही मुस्कान ने शो को छोड़ने का ऐलान किया तो फैंस तक हैरान रह गए। लोगों ने पाखी के रोल में मुस्कान की एक्टिंग काफी ज्यादा पसंद की। हालांकि अब मुस्कान ये शो छोड़ चुकी है और हाल ही में एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें मुस्कान ने ये खुलासा किया है कि उन्होंने बॉलीवुड की फिल्मों में भी काम किया है, लेकिन उन फिल्मों से उन्हें पॉपुलैरिटी नहीं मिली है। एक्ट्रेस ने खुलासा किया कि उन्होंने काजोल और श्रद्धा कपूर की फिल्मों में काम किया है। मुस्कान बामने ने कहा कि मैंने हसीना पारकर और हेलीकॉप्टर ईला जैसी बॉलीवुड फिल्मों में काम किया था, लेकिन मुझे इन फिल्मों में पॉपुलैरिटी बिल्कुल भी नहीं मिली। लोगों ने मुझे अनुपमा के बाद ही नोटिस किया। टीवी एक पब्लिक मीडियम है और आपको दर्शकों से तुरंत जुड़ने में मदद करता है। मैंने हेलीकॉप्टर ईला में काजोल मैम के साथ काम किया था और उनके साथ काम करना मेरे लिए एक शानदार अनुभव था। मैं अब टीवी शो या फिल्मों में लीड रोल प्ले करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आपको बता दें कि मुस्कान बामले ने टीवी सीरियल अनुपमा को लीप के साथ ही छोड़ दिया था। इस शो में पाखी के रोल को माँ के रूप में दिखाया जा रहा है और मुस्कान छोटी सी उम्र में माँ का रोल नहीं निभाना चाहती थी, इस वजह से उन्होंने सीरियल से दूरी बना ली। एक इंटरव्यू में मुस्कान ने शो छोड़ने पर कहा था कि मैं शो से पहले दिन से जुड़ी हुई हूँ, मैंने अपने रोल को पूरी तरह से एंजॉय किया, लेकिन मैं स्क्रीन पर अभी से ही माँ का रोल नहीं निभाना चाहती थी, इसी वजह से मैंने शो को बीच में छोड़ दिया। मैं शो में लोगों को काफी ज्यादा मिस भी कर रही हूँ। मैं सबसे ज्यादा तोशु भाई को मिस कर रही हूँ। आपको बता दें कि मुस्कान बामले ने अभी तक अपने नए प्रोजेक्ट्स का कोई ऐलान नहीं किया है।